हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चे, हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की सुपर ट्रिक पे। तो आपका ये जो सुपर ट्रिक है हाइड्रोजन की, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन की, ये आपको कहाँ कहाँ पे काम आने वाली है? आप जेई के एडवांस में, जेई मेन एडवांस में, नीट के एग्जाम में, पंजाब मास्टर कैडर में और लेक्चर कैडर के एग्जाम में ये आपकी सुपर ट्रिक काम आने वाली है। तो गाइस देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। आपको बताना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो फॉस्फोरस है, ये देखिए 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। बच्चों, कोरोना चल रहा है तो हो सकता है बीमार हो भाई। नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसपी, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस है 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे क्लोरीन है, आपको पता क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइक दैट। क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बच्चे, और क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे 5 क्लोरीन, कितने 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 के 5 क्या यहाँ पे बॉन्ड पेयर। तो 5 यहाँ पे गाइस है बॉन्ड पेयर, और 0 यहाँ पे है लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेंडिंग नहीं, आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं है जो कि अनशेयर्ड हो, जिसकी शेयरिंग ना हुई हो। सभी के सभी आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 5 बॉन्ड पेयर है गाइस, 0 लोन पेयर। तो आप इनको ऐड करेंगे, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर इज इक्वल टू 5। इसको हम बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं गाइस इसको? स्टीरिक फैक्टर, दिस इज नोन एज स्टीरिक फैक्टर। इसको हम स्टीरिक फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्टीरिक फैक्टर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, टोटल पेयर आपके पास 5 हैं। अब देखिए, टोटल पेयर 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। एक यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, 3 यहाँ पे पी ऑर्बिटल, और एक हो जाएगा डी। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी गाइस? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और सभी के सभी यहाँ पे कैसे हैं? बॉन्ड पेयर। अगर आप ज्योमेट्री की बात करना चाहें, ज्योमेट्री किस टाइप की होगी, आप देख सकते हैं ज्योमेट्री इस टाइप की कुछ बनने वाली है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन। तो आप समझ सकते हैं ज्योमेट्री कैसी है। दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री गाइस? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये आपकी ज्योमेट्री होगी, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपने देखिए यहाँ पे, एक तो आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर फाइंड आउट कर लिए, हाइब्रिडाइजेशन आपने फाइंड आउट कर ली, और ज्योमेट्री आपने फाइंड आउट कर ली। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मूव करते हैं। बच्चे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपके पास है XeOF4, ये आपके पास एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं जो जीनोन होता है आपके पास विद एटॉमिक नंबर 54, ये 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से बिलोंग करता है। ये हमारा हीना, नीना और करीना, जीरो रन पर, जीरो रन पर। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास जीनोन है यहाँ पे, ठीक है। तो जीनोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 ग्रुप में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, एक्सेप्ट हीलियम, सभी के पास वैलेंस शेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है 18 ग्रुप में। तो जीनोन के वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने? 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो ये 4 बॉन्ड पेयर हो गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन ऑलवेज क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा गाइस? ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई। तो सिग्मा को हम काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर में, बट जो पाई है बचे, ना ही तो ये बॉन्ड पेयर में काउंट होगा और ना ही लोन पेयर में। तो आपके पास इसलिए इस बॉन्ड को छोड़ देते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। तो एक और बॉन्ड पेयर यहाँ पे ऐड हो गया, बचा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर। तो ये बचा आपके पास गाइस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर।
टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 5 बने आपके पास बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, 1 आपके पास है लोन पेयर। गाइस दोनों को एड ऑन करेंगे तो आपके पास टोटल क्या बनेगी, 6 पेयर। तो इसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या हमारे पास ये स्टेरिक फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर। और अगर स्टेरिक फैक्टर आपके पास 6 है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्योंकि आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 एस 3 पी ऑर्बिटल है और 2 आपके पास क्या है d, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी गाइस। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लगे, अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री कुछ इस स्टेप से बनने वाली है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपके पास ज्योमेट्री बनने वाली कुछ इस स्टेप से, दिस इज योर ज्योमेट्री, ये हमारी ज्योमेट्री है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन राइट, और यहाँ पे क्या एक लोन पेयर। तो आपकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल, कैसे बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल राइट। तो आपको ज्यादातर किसकी जरूरत पड़ती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिक्वायरमेंट आपको होती है। एंड नेक्स्ट वन आपको हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं राइट गाइस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास है I3 नेगेटिव। तो I3 नेगेटिव में कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपके पास आयोडीन है, आयोडीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, आयोडीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो हम देखते हैं आयोडीन यहाँ पे है राइट। तो आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, बच्चे 2 आयोडीन यहाँ पे कंबाइन करेंगे, 1 आयोडीन एंड सेकेंड आयोडीन ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर है राइट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है, और देखिए आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं वैलेंस सेल में, और 1 नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और ये बाहर से गेन करेगा। तो ये अब टोटल कितने लोन पेयर हो गए हैं आपके पास, ये टोटल कितने लोन पेयर देख सकते हैं आप, 3 लोन पेयर। आयोडीन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, और 1 नेगेटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने बच्चे गेन किया बाहर से, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर और 3 क्या है लोन पेयर। तो 3 + 2 स्टेरिक फैक्टर क्या बना आपका, 5 इज द स्टेरिक फैक्टर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन राइट गाइस। अगर ज्योमेट्री की बात करें आप इसकी, देखिए ज्योमेट्री कुछ स्टेप से बनने वाली है, आयोडीन 2 बॉन्ड पेयर और यहाँ पे क्या है 3 लेन पेयर लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, लीनियर ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री रहेगी गाइज, लीनियर ज्योमेट्री आपकी बनने वाली, दिस विल बी लीनियर ज्योमेट्री राइट गाइज, क्लियर पॉइंट। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए आपके पास सपोज कीजिए यू हैव NO3 नेगेटिव ठीक है, और यहाँ पे एक ले लेते हैं NH4 पॉजिटिव, आपको बताने हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे गेन कर रहा है, तो क्या हो गया 6। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन, 3। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, थर्ड ऑक्सीजन भी क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। बट यू नो वेरी वेल ऑलरेडी बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, पाई को आप ना बॉन्ड पेयर में काउंट करते हैं ना ही लोन पेयर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 के 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे, लोन पेयर क्या होंगे 0 लोन पेयर हैं। तो आपको देखते हैं स्टेरिक फैक्टर क्या बनेगा, 3 + 0 3 + 0 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन गाइस इसकी होने वाली है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 1, और पॉजिटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइंड है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, 4 गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड पेयर हो गए क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे कंबाइन करेंगे,
लाइक दैट। तो फोर बॉन्ड पेयर यहाँ पे हैं, और लोन पेयर क्या गाइस, जीरो लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं फोर बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3 hybridized। तो गाइज इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये भी सेम, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी और बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी सेम है, तो आपको उसको बोलेंगे दीज आर आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। क्या बोलेंगे गाइज इनको, दीज आर नोन एज आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी गाइज सेम है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी सेम है, क्या बनेगी आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, क्या बनेगी आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। क्लियर है गाइज, क्लियर है पॉइंट ही, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे है, ये आपके पास एक तो हमारे पास है NH4 पॉजिटिव, राइट, और एक आपके पास है BF4 नेगेटिव, राइट, ये ऑप्शन आपके पास, और एक और मैं दे रहा हूँ ऑप्शन आपको, मान लीजिए आपके पास है NH4 पॉजिटिव है और एक आपके पास है H2O। अब बोला जाए क्या ये इन दोनों में से एक सेट, सेट वन है, ये आपके पास है सेट वन, ये आपके पास है सेट टू, और बोल दे बाई चांस आपको कौन सा इनमें से आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो स्ट्रक्चरल। देखिए गाइज अमोनिया की मैंने अभी अभी अमोनियम आयन की अभी अभी पीछे निकाली थी, अमोनियम आयन में देखिए फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसमें डायरेक्टली लिख देता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे बच्चे, sp3 hybridized है, ठीक है, फोर बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर क्या है जीरो, राइट, यहाँ पे ये है। अब बोरोन की बात करते हैं, बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन इन बोरोन, और वन नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और इसने गेन कर लिया, चार इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, तो फोर फ्लोरीन कनेक्टेड है, 1 2 3 4 फ्लोरीन है, तो फोर बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, फोर बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर क्या होगा जीरो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी गाइस sp3, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम है, तो आप कह सकते हैं सेट वन जो है ये बिल्कुल आइसो स्ट्रक्चरल है नेचर वाइज, कैसा है गाइज आइसो स्ट्रक्चरल है। अब बात कर लेते हैं सेट टू की, सेट टू में हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फोर बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, ये हमें पता है। अब H2O की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6, टू हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो टू तो बच्चों आपके पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, और टू ही आपके पास लोन पेयर है, पेयर एक पेयर में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर ये वाला और एक लोन पेयर ये वाला, तो टू बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर, टोटल पेयर कितने, मैंने टोटल पेयर फोर है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी sp3 आ जाएगी गाइस, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 बन गई, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट क्या यहाँ पे दोनों में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम है, जी नहीं है, तो ये आपस में क्या नहीं होंगे, दीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, तो बच्चे ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया हो। तो आपने मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज करके आपको बताया है आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, और आप किस स्टेप से बता सकते हैं किसी के भी आइसो स्ट्रक्चरल हैं या नहीं है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लेते हैं MCQ, which of following are isostructural, which of following have sp3 d3 hybridization, हमें बताना है किसकी यहाँ पे sp3 d3 hybridization होगी। तो ए ऑप्शन आपके पास है
XEF6, राइट। बी ऑप्शन आपके पास है XEF4, सी ऑप्शन मैंने लिया XEO3, डी ऑप्शन गाइस आपके पास है XEO4। बताना है किसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d3 है। तो देखिए यहाँ पे जीनोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, अगर मैं सबसे पहले ए पे चलता हूँ, ए पे फ्लोरीन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फ्लोरीन है तो 6 तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गई, और एक बना यहाँ पे बच्चों लोन पेयर, ये लोन पेयर है गाइस। टोटल पेयर कितने बने, 7, तो आप देखते हैं 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3 d3। तो एक तो sp3 d3 हाइब्रिडाइज, ये वाला ए ऑप्शन आ गया। क्या देखते हैं क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज। अब मैं बात करता हूँ XEF4 की, अब हम बात करते हैं XEF4 की। अब यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, देखिए कितने फ्लोरीन है बच्चे, 4 फ्लोरीन है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन ही। तो बाकी जो बचा एक ये वाला एंड नेक्स्ट वन, ये क्या आपके लोन पेयर, वन लोन पेयर ये वाला बच्चे, वन लोन पेयर ये वाला है। यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं गाइस, 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं गाइस। टोटल पेयर कितने बनेंगे, टोटल पेयर 6 होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी। मींस इसमें आपकी sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अब बात करते हैं XEO3 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बट आपको पता है हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर में, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे, पाई को काउंट नहीं किया जाएगा, ना ही बॉन्ड पेयर में ना ही लोन पेयर में। जो पाई बॉन्ड है इनको काउंट नहीं किया जाएगा, दीज आर नॉट काउंटेबल इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। एक यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो टोटल पेयर 3 और 1, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बचे तो ये भी आपके पास नहीं होगा। सिमिलरली आप XEO4 में निकालेंगे तो XEO4 भी क्या आएगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा। यहाँ पे क्लियर पॉइंट, क्योंकि एक ऑक्सीजन और आ जाएगा यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचे, XEF6। तो ये आपका कंसेप्ट था बच्चे कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा ये ट्रिक, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे बच्चे, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।